ओके गाइस, चलो तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पेपर कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूनिट 2 में है ना, अपन जो पढ़ने वाले हैं वो अभी तक हमने फिजिकल मीडिया पढ़ लिया, फाइबर मीडिया, वायरलेस, टेरेस्ट्रियल, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसमिशन इम्पेरियंट। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, ट्रांसमिशन इम्पेरियंट। इम्पेरियंट, नाउ व्हाट इज ट्रांसमिशन इम्पेरियंट, किसी को पता है? मैंने उस दिन बताया था, हम लोगों ने डिस्कस करा था ट्रांसमिशन इम्पेरियंट क्या होता है। आरती ब्यूटी, व्हाट इज ट्रांसमिशन इम्पेरियंट, क्या होता है ट्रांसमिशन इम्पेरियंट? जब कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, कम्युनिकेशन होता है तो उसमें है ना कुछ कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी होती है वो कभी कभी डिट्रॉयड हो जाती, गंदी क्वालिटी होती है, और वो जो गंदी क्वालिटी का सिग्नल होता है ना उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन इम्पेरियंट। ठीक है, तो इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम एनालॉग सिग्नल ट्रेवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया विच टेंड्स टू डिट्रॉयड, डिट्रॉयड यानी खराब करना। ठीक है, डिट्रॉयड द क्वालिटी, तो डिट्रॉयड यानी क्या होता है? खराब होना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन इम्पेरियंट बोलते हैं। इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है कि जो बिगनिंग में सिग्नल भेजा जाता है वो क्या हो जाता है? डिट्रॉयड हो जाता है, खराब हो जाता है, तो जो एंड में रिसीव होता है वो सिग्नल क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो सिग्नल एट दी बिगनिंग ऑफ मीडियम इज नॉट दी सेम एज सिग्नल एट एंड, मतलब जो आखिरी में जो सिग्नल रिसीव होता है ना वो कैसा होके रिसीव होता है? डिट्रॉयड होके रिसीव होता है वो सिग्नल। ठीक है, दूसरा होता है नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ने वाले, इसमें पढ़ने वाले कॉजेज, इसके क्या कॉजेज है इम्पेरियंट के, और वी कैन से एटीन्यूएशन, इसको हम लोग कॉजेज भी बोल सकते हैं और एटीन्यूएशन। ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो मतलब एटीन्यूएशन भी बोल सकते हो और कुछ भी कॉजेज भी बोल सकते हो। तो सबसे पहला जो होता है ना वो क्या है? एटीन्यूएशन है। एटीन्यूएशन मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या हो जाना? लॉस हो जाना, एटीन्यूएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल होती है ना वो क्या होती रहती है? जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस विच कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या यूज होता है? एम्पलीफायर यूज आता है। एटीन्यूएटेड सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते कौन? एम्पलीफायर्स। ठीक है, जो क्या दे देता है? फिर से क्या दे देता है? ओरिजिनल सिग्नल दे देता है। जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसी को वो क्या कर देता है? दे देता है। ठीक है, ये जो मेजरमेंट होता है इनका, ये होता है डीबी में। डीबी माने डेसिबल्स, इसमें मेजरमेंट होता है। अब ये होते कैसे? देखो, सपोज करो, लेट से
ये तुम्हारा ओरिजिनल सिग्नल है, सो दिस इज योर ओरिजिनल सिग्नल. ये कौन सा सिग्नल है तुम्हारा? ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है. ओरिजिनल सिग्नल जब आगे जाता है बहुत डिस्टेंस के कारण, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जब करता है तो वो क्या हो जाता है? एटीन्यूएटेड हो जाता है. एटीन्यूएटेड हो जाता है यानी कि वो उसमें कुछ क्या आ जाती है, लॉस हो जाता है. देखो ये सिग्नल था पर ये क्या हो गया, एटीन्यूएटेड होने के बाद इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया. तो ये जो सिग्नल है ये क्या है, एटीन्यूएटेड सिग्नल है. एटीन्यूएटेड सिग्नल, ठीक है. नाउ ये एटीन्यूएटेड सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर देते हैं और एम्पलीफाई करते हैं. तो एम्पलीफाई करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका, इस तरह का सिग्नल. तो ये जो सिग्नल होता है ये क्या सिग्नल है, एम्पलीफाइड सिग्नल है, ठीक है. तो ये जो आया ये कौन सा सिग्नल है, एम्पलीफाइड. एम्पलीफाइड सिग्नल, ठीक है. तो ओरिजिनल सिग्नल में लॉस हो जाता है, उस सिग्नल को वापस से रीगेन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एम्पलीफायर का. तो लेट से इसका अगर मैं और क्लियर वर्जन ऑफ डायग्राम बनाऊंगी, तो ये मेरा एक पॉइंट वन है. पॉइंट वन से ट्रांसमिशन मीडिया है, यहाँ पे पॉइंट टू है, ठीक है. ये यहाँ पे क्या हो गया, एटीन्यूएटेड हो गया, ठीक है. तो दिस वन इज पॉइंट वन, ये है पॉइंट वन, ठीक है. ये पॉइंट टू है जहां पे एटीन्यूएटेड हो गया है, ठीक है. इसको सही करने के लिए हमने फिर से इसको ओरिजिनल में बैक लाने के लिए हम लोगों ने किसका इस्तेमाल करा है, एम्पलीफायर का इस्तेमाल करा है, ठीक है. ये एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर से फिर से ये जो है ये पॉइंट थ्री पे कौन सा सिग्नल मिल रहा है हमको, ओरिजिनल सिग्नल. सो हम लोगों ने किसका इस्तेमाल करा, एम्पलीफायर का, एटीन्यूएशन को दूर करने के लिए, ठीक है. तो ये एम्पलीफायर है और ये फिर से कौन सा पॉइंट थ्री है जहां पे आपको सिग्नल मिल रहा है. तो पहला हो गया इम्पेरियंट का एटीन्यूएशन, जो ये आप है ना एटीन्यूएशन लाते हो ना, तो देखो ये सिग्नल जो था इन एक्चुअल वो नहीं मिला, सिग्नल प्रॉपरली जो एक्चुअल है ना वो नहीं मिल रहा है. देख लो ये ओरिजिनल सिग्नल इस तरह का है, पर जो मिल रहा है वो क्या है, क्वाइट डिफरेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी और रेंज में. तो पहला जो इम्पेरियंट का कारण है, दिस वन इज योर एटीन्यूएशन, ठीक है. नाउ सेकेंड वन, जो दूसरा इम्पेरियंट का कारण है वो है डिस्ट्रॉशन. सेकेंड वन इज डिस्ट्रॉशन, दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रॉशन. डिस्ट्रॉशन यानी क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं वो शेप्स को चेंज कर देते हैं. डिस्ट्रॉशन मतलब ये होता है कि जो शेप है उसको क्या कर दो, चेंज कर दो. तो सिग्नल चेंजेस इट फॉर्म और शेप्स, उसके शेप्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है. अब कैसे होता है डिस्ट्रॉशन, सपोज करो कि देयर इज अ कंपोजिट सिग्नल, यहां पे एक कंपोजिट सिग्नल है, ये सेंडर के साइड पे कंपोजिट सिग्नल है. तो सेंडर ने क्या सेंड करा है, कंपोजिट सिग्नल को सेंड करा है. ठीक है, तो ये क्या है, किसने सेंड करा ये कंपोजिट सिग्नल, सेंडर ने. सेंडर ने कंपोजिट सिग्नल को सेंड करा, तो जो कंपोजिट सिग्नल की फेसेस होंगी ना वो किस तरह से आएंगी, सपोज करो इस सिग्नल की इस तरह की फेसेस हैं, ठीक है. तो ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं फेसेस में.
ठीक है, ये सिग्नल सेंड करा था, इस सिग्नल के ये तीन फेसेस बने, ये किसने सेंड करा, सेंडर ने। अब जब रिसीवर ने रिसीव करा, तो रिसीवर ने जो रिसीव करा, रिसीवर ठीक है, वो इस सिग्नल को रिसीवर ने कैसे रिसीव करा वो बता रही हूं मैं। तो लेट से रिसीवर ने जो पहला सिग्नल रिसीव करा था, ये वाला पहला सिग्नल, ये तो उसने ऐसे कैसे रिसीव करा, इस तरह का, ठीक है। देन रिसीवर ने जो दूसरा सिग्नल रिसीव करा, वो नीचे से, आप देखो ये नीचे से शुरू हो रहा है, रिसीवर ने जो रिसीव करा उसको इस तरह से करा, ठीक है। और जो तीसरा सिग्नल है वो रिसीवर ने, ये यहां से शुरू होना था और रिसीवर ने जो रिसीव करा वो ऐसे रिसीव करा, तो ये क्या हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया। मतलब जो इन एक्चुअल चाहिए था वो रिसीव ना करके, तो जो रिसीवर ने जो कंपोजिट सिग्नल रिसीव कराना वो कुछ इस प्रकार करा, तो जो रिसीवर का कंपोजिट सिग्नल होगा, देखो अब मैं यहां पे कंपोजिट सिग्नल बना रही हूं, कंपोजिट सिग्नल कैसा आना था और कैसा आया गया, ये इस तरह से आ गया कंपोजिट सिग्नल। तो ये क्या हुआ, डिस्टॉर्टेड सिग्नल आ गया, ये देखो कंपोजिट सिग्नल ऐसा चाहिए था, पर ऐसा आने की जगह वो कैसा आ गया, इस तरह का डिस्टॉर्टेड सिग्नल आ गया। क्यों, क्योंकि जो रिसीवर ने जो कंपोनेंट्स आए ना रिसीवर के फेस के, ये जो है ना, ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं किसके फेस के, रिसीवर के फेस के, ये रिसीवर फेस के कंपोनेंट्स हैं और ये सेंडर फेस के कंपोनेंट्स हैं। सेंडर फेस के कंपोनेंट्स वैसे के वैसे नहीं पहुंचे जैसे रिसीवर फेस के सेंडर ने भेजे थे, वैसे नहीं पहुंचे, उस कारण से क्या हुआ, सिग्नल में क्या हो गया, नॉइज आ गई, और जो कंपोजिट सिग्नल रिसीव हुआ रिसीवर एंड पे, तो ये क्या है, कंपोजिट सिग्नल एट रिसीवर एंड, उसमें क्या था, डिस्टॉर्शन था, डिस्ट्रॉशन था, यानी कि जैसा हमको चाहिए था वो वैसा नहीं आया, उसने अपनी शेप क्या कर ली, चेंज कर ली, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉशन। डन, नाउ डिस्ट्रॉशन के बाद होता है तीसरा नॉइज, नॉइज क्या होती है, रेंडम या फिर अनवांटेड सिग्नल जो मिक्स हो जाता है किसके साथ, ओरिजिनल सिग्नल के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। ऐसा सिग्नल जो अनवांटेड है और वो क्या हो रहा है, ओरिजिनल सिग्नल के साथ मिक्स हो जाता है, तो जो रिसीवर एंड पे जो है ना आता है वो क्या होता है, गलत सिग्नल आता है। जैसे सपोज करो कि हम लोगों ने ये ट्रांसमिट करा, ये दिस वन वॉज योर ट्रांसमिटेड सिग्नल, ये कैसा सिग्नल था, ट्रांसमिटेड, ठीक है। इस ट्रांसमिटेड सिग्नल में क्या जुड़ गई, नॉइज जुड़ गई, ठीक है। तो ये वाली क्या है, नॉइज है, तो ये क्या है हमारा, नॉइज। जब ट्रांसमिटेड सिग्नल में नॉइज जुड़ जाती है तो सिग्नल जैसा हमको चाहिए था ना वैसा नहीं आता है, तो जो सिग्नल हमारे पास रिसीव होता है ना वो कुछ और ही रिसीव होता है। देखो तो ये जो रिसीव सिग्नल होएगा वो कैसा होएगा, देखना, ये
ये हो गया रिसीव सिग्नल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो ट्रांसमिटेड था वो ये था, पर इसमें क्या जुड़ गई, नॉइज जुड़ गई, तो जो रिसीव था वो वैसा नहीं हुआ जैसा हमको क्या होना चाहिए था, रिसीव्ड होना चाहिए था। तो ये क्या है, ये पॉइंट वन है जो ट्रांसमिटेड मीडियम है, ठीक है, ये पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू तक मुझे ट्रांसमिट करना है, ये पॉइंट वन है, ठीक है, और ये पॉइंट टू है जहां पे मुझे क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट किससे होगा, कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होगा। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम कोएक्सियल केबल हो सकता है, ऑप्टिक फाइबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इस ट्रांसमिशन मीडियम में क्या थी, नॉइज थी। नॉइज होने के कारण क्या हुआ, जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ वो हमको जैसा मिलना था वैसा नहीं मिला और कुछ और मिल गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉइज के कारण जो डिस्टॉर्शन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज वन अगेन वन ऑफ द कॉज ऑफ इम्पेरियंट, है ना। अब जो नॉइज होती है वो कौन कौन सी नॉइज हो सकती है हमारे पास, जैसे सबसे पहली जो हो सकता है वो होता है इंड्यूस नॉइज, इंड्यूस नॉइज वो नॉइज होती है जो किसी एप्लायंसेस वगैरह के कारण आ रही है। सपोज करो कि हम जब आपस में है ना बात करते हैं और हमारा अगर है ना फोन खराब हो गया, फोन का माइक, तो वो कुछ नॉइज देगा, तो वो क्या इंड्यूस नॉइज है। तो इंड्यूस नॉइज कम्स फ्रॉम सोर्सेस सच एज मोटर और एप्लायंसेस, जो भी अदर एप्लायंसेस होते हैं उनके कारण जो नॉइज आती है उसको बोलते हैं इंड्यूस नॉइजेस, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज क्रॉस टॉक नॉइज, ये हम सबको पता है, क्रॉस टॉक नॉइज हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस भी करा है। लेट से मैंने है ना आरती को कॉल करा, पर आरती की कॉल की जगह मेरे को कहीं और कुछ और आवाजें सुनाई देने लग जाती, कभी कभी तो हमको ऐसी आवाज आती है जो हमको समझ में ही नहीं आती, तो वो किसके कारण आती है, क्रॉस टॉक के कारण, ठीक है। तो वेन वायर affect the other wire, ये तब होता है क्रॉस टॉक, ठीक है। और इसीलिए ये क्रॉस टॉक ना हो, इसीलिए क्या होते हैं वायर्स कैसे होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, क्रॉस टॉक से बचाने के लिए। नेक्स्ट वन इज थर्मल नॉइज, क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ना, कभी कभी देखना आपका ये जो कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं ये चार्ज पे होते हैं और हीट अप हो जाते हैं तो ये जूम करके आवाज देते हैं, है ना, तो वो क्या होती है थर्मल नॉइज। सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर जनरेट्स एक्स्ट्रा नॉइज, extra signal instead of noise, it's a sort of signal, right? And the last one, but the noise, it's a impulse noise. ऐसे सिग्नल जो लाइट वगैरह जो हाई एनर्जी के कारण होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स नॉइज। सो इट इज अ सिग्नल विथ हाई एनर्जी that comes from lightning and power lines, हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। सो ये क्या होता है, ये सब हमारे ट्रांसमिशन इम्पेरियंट के कॉजेज हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, फर्स्ट वन इज एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, डिस्टॉर्शन व्हेन देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल, नॉइज व्हेन देयर सम एक्सटर्नल नॉइज इज इंड्यूस्ड एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन द रिसीव सिग्नल, दैट इज नॉइज। तो ये तीन प्रकार के हमारे क्या है, डिस्टॉर्शन है, इम्पेरियंट है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले दैट इज अ आईएसडीएन। व्हाट इज आईएसडीएन, आईएसडीएन इज अ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। अगर मैं आईएसडीएन की बात करूं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। आईएसडीएन क्यों आया था, तो आईएसडीएन जो हमारी सेलुलर टेलीफोनी थी उसको है ना, उसका एक अल्टरनेटिव था, दैट इज अ आईएसडीएन, ठीक है। आईएसडीएन का सबसे ज्यादा जो एडवांटेज था दैट इज अ स्पीड। तो आईएसडीएन क्या होते हैं, ये कुछ प्रोटोकॉल के सेट होते हैं दैट कंबाइंस डिजिटल टेलीफोनी एंड डेटा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। सो दे आर द प्रोटोकॉल्स
सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, और प्रोटोकॉल्स हम सबको पता है क्या होते हैं, दे आर द सेट ऑफ रूल्स. प्रोटोकॉल्स इट मींस रूल्स दैट कंबाइन्स द डिजिटल टेलीफोनी एंड डेटा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. ठीक है, ये और क्या कंबाइन करती है, इट कंबाइंस सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग. नाउ व्हाट इज सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग, क्या होता है जब हमको सोर्स से डेस्टिनेशन एड्रेस पे, और लेट्स से मैं स्विचिंग का एक सिंपल सा मतलब बताती हूँ, जब मुझे एक जगह से कहीं और जाना है, ठीक है, और ट्रैफिक है, और ट्रैफिक होने के कारण मैं जो रूट को फॉलो कर रही हूँ उसको चेंज कर लेती हूँ, दैट इज व्हाट द स्विचिंग. ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे, पैकेट स्विचिंग भी होता है और सर्किट स्विचिंग भी होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में. अब ये क्या होता है हम लोग लेटर ऑन हमारे यूनिट नंबर 3 में देखेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है. सो प्रिंसिपल्स ऑफ ISDN, पहला जो प्रिंसिपल है ये क्या करता है, सपोर्ट फॉर वॉइस एंड नॉन वॉइस एप्लीकेशन. सबसे पहला प्रिंसिपल है, इट सपोर्ट फॉर वॉइस एंड नॉन वॉइस एप्लीकेशन यूजिंग लिमिटेड सेट ऑफ Android facilities. Then, second जो point है ये क्या करता है, it support both circuit and packet switching for dedicated lines. द प्रोटोकॉल जो होता है ना वो क्या करता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर करता है. सो प्रोटोकॉल फॉर यूजर टू ISDN एग्जिबिट लेयर्ड आर्किटेक्चर. ठीक है, इसमें आर्किटेक्चर जो होता है वो कौन सा होता है, लेयर्ड होता है, एंड इट कैन बी मैप्ड टू OSI मॉडल. ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, ISDN का प्रिंसिपल होता है. तो अब जो ISDN होता है, सीधे से डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ISDN, ISDN में क्या होता है, एक कहना सेंटर ऑफिस होता है. इस सेंटर ऑफिस के जरिए जो डिजिटल पाइप्स होती है टू अदर नेटवर्क सर्विसेज, यहाँ पे ये ना देता है डिजिटल पाइप जिसके थ्रू पैकेट स्विचिंग हो सकता है, सर्किट स्विचिंग हो सकती है. ठीक है, डेटाबेसेस वगैरह जो होते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, और भी दूसरी जो नेटवर्क्स होते हैं उनसे कनेक्शन हो सकता है, और दूसरी सर्विसेज से कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, और जो ISDN होता है यहाँ पे वो कस्टमर इंटरफेस देता है, जिसमें कस्टमर के अलग अलग जितने भी वर्क स्टेशन हैं, टेलीफोन है ना, उन सबके साथ कनेक्शन हो सकता है. तो ISDN जो होता है वो नेटवर्क इज स्विच डिजिटल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ISDN स्विचेस. ईच नोड इन द नेटवर्क इज आइडेंटिफाई इन अ हायरार्कल ISDN एड्रेस विच इज 15 डिजिट एड्रेस. मतलब इसका जो लिखने का तरीका होता है वो कैसा होता है, 15 डिजिट एड्रेस का इसका तरीका होता है. ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, ISDN का हो गया. ISDN जो होते हैं एक्सेस दो टाइप से होते हैं, एक होता है बेसिक एक्सेस, एक होता है प्राइमरी एक्सेस. बेसिक एक्सेस में क्या होता है, इसमें है ना 264 KB के यूजर चैनल होते हैं, बी चैनल, एंड 1 is 16 KB सिग्नल चैनल. देखो ये दो बी चैनल है, ये जो दो बी चैनल है ये कितने KB के, 64 KB के. ठीक है, और ये दोनों क्या है, यूजर चैनल है. यूजर चैनल है यानी ये क्या ले जाएंगे, यूजर की इंफॉर्मेशन, वॉइस और ये सब ले जाएंगे. ठीक है, और एक जो होता है वो 16 KB का चैनल होता है, और ये किसका चैनल होता है, सिग्नल का चैनल होता है, जो सिग्नल को प्रोवाइड करता है सक्सेसफुली. ठीक है, दूसरे टाइप का जो होता है वो होता है प्राइमरी एक्सेस.
इस प्राइमरी एक्सिस में 30-64 केबी के यूजर चैनल्स होते हैं और एंड 64 केबी के सिग्नल चैनल होते हैं, मतलब ये जो सिग्नल चैनल होता है वो भी कितने केबी का होता है, 64 केबी का होता है, और ये जो इन्फॉर्मेशन और वॉइस चैनल होते हैं ये 30 होते हैं और 30 64 केबी के होते हैं, दैट इज इन टोटल 1920 केबी के होते हैं ये, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ 2.048 Mbps, 164 KB चैनल इज यूज फॉर फ्रेमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, और इसमें से एक जो 64 KB का चैनल होता है वो किस लिए यूज होता है, फ्रेम्स बनाने के लिए और सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए। सिंक्रोनाइजेशन यानी क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, कभी कभी हम लोगों का मैसेज बहुत बड़ा होता है तो मैसेज दो टुकड़ों में रिसीव होता है, तो हमको मैसेज में आता है 1/2, 2/2 इस तरह से आता है ना। कभी अब क्या होता है, ट्रैफिक होने के कारण हो सकता है सेकेंड मैसेज का पार्ट पहले आ जाए और फर्स्ट मैसेज वाला पार्ट बाद में आ जाए, तो वो क्या होगा, अनसिंक्रोनाइज, मतलब जैसे आना था वैसा नहीं आया। बट एट द सेम टाइम अगर ये चीज सिंक्रोनाइज्ड होती है तो पहला पार्ट पहले आता है और दूसरा पार्ट बाद में आता है, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। तो ये चीज के लिए ISDN का एक चैनल क्या होता है, उसी के लिए क्या होता है, डेडिकेटेड होता है फॉर मेंटेनिंग द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो ये पूरा आपका ISDN का हो गया। अब नेक्स्ट होती है सर्विसेज ऑफ ISDN, मतलब ISDN क्या क्या सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। सबसे जो पहली सर्विस होती है वो होती है बियरर सर्विस। बियरर सर्विस क्या करती है, इंफॉर्मेशन फ्लो को अलाउ करती है टू फ्लो बिटवीन द टू एंड यूजर्स ऑफ द नेटवर्क। सो इट अलाउज इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन टू एंड यूजर्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के दो एंड यूजर्स में अलाउ करती है, ठीक है, विदाउट मैनिपुलेटिंग द नेटवर्क कंटेंट, विदाउट मैनिपुलेटिंग द नेटवर्क कंटेंट, ठीक है, कहीं कंटेंट को मैनिपुलेट नहीं करती है, ठीक है। सेकेंड वन इज योर टेली सर्विस, जो दूसरा काम होता है वो क्या होता है, टेली सर्विस प्रोवाइड करना। टेली सर्विस क्या करती है, ये मैनिपुलेट कर सकती है इंफॉर्मेशन कंटेंट को, सो दिस कैन मैनिपुलेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन कंटेंट। दिस सर्विस प्रोवाइड एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टोर्स and information it provides a तो जब डिमांड होगी उसी पे इंफॉर्मेशन क्या होगी, यूजर को सेंड होगी, तो इंफॉर्मेशन इज सेंड टू यूजर ऑन डिमांड ओनली, जब भी डिमांड होगी तभी इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूजर को भेजी जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूंगी ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एंटरटेनमेंट सर्विस तो प्रोवाइड होती है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, पर एक बात बोलो, नेटफ्लिक्स है, वूट है, अमेज़न है, इनके सब्सक्रिप्शन के बिना थोड़ा ना आप ना इनको यूज कर सकते हो, तो जब आपका डिमांड होगा तभी वो चीज आपको क्या करी जाएगी, दी जाएगी, ठीक है। तो ये होती है इसकी टैली सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज योर सप्लीमेंट्री सर्विसेज। ये जो है ना, ये डेडिकेटेड होती है रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, सो दिस इज डेडिकेटेड टू रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स। जैसे कौन से होते हैं, अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूंगी तो वो कौन से होते हैं, वीडियो टेलीफोन होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हैं,
तो ये क्या सप्लीमेंट्री सर्विसेज है, हमने व्हाट्सएप को डाउनलोड करा, उसके साथ हमको ये वीडियो कॉलिंग करने की फैसिलिटी मिली है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ISDN हो गया। सो ISDN इज अ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जिसके पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डिजिटल टेलीफोनी और डेटा ट्रांसपोर्ट के लिए नेसेसिटी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, एक और होता है जिसका नाम है BISDN BISDN इज योर ब्रॉडबैंड ISDN। अब ये हमारा एजेंडा है, कल के टॉपिक है, ये हम लोग कल कवर करेंगे। अब ब्रॉडबैंड ISDN क्या होता है, बेसिकली क्या हुआ था, जो ISDN था वो सफिशिएंट नहीं था, कि कुछ कुछ एप्लीकेशंस के लिए इनसफिशिएंट था ड्यू टू इट्स बैंडविड्थ, है ना। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो चीज आई वो थी BISDN, ब्रॉडबैंड ISDN, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड ISDN में तीन लेयर होती है, डबल ए लेयर, दैट इज एडेप्टेशन, ATM एडेप्टेशन लेयर, दूसरा जो होती है वो होती है ATM लेयर, एंड द थर्ड वन इज योर फिजिकल लेयर। नाउ व्हाट इज ATM, तो इसमें BISDN में बार बार हम लोग बोल रहे कौन सी लेयर आ रही है, ATM। नाउ व्हाट इज ATM, ATM इज नथिंग बट इट्स अ एसिंक्रोनस, तो हियर ATM मींस स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ASYNCH ट्रांसफर मोड होता है। सो BISDN जो था, इट इज ओवरकम सम ऑफ द इश्यूज विच वर फेस बाय ISDN, ISDN जो इश्यूज को फेस कर रहा था उसको ओवरकम करने के लिए कौन आया, BISDN, ब्रॉडबैंड हाई बैंडविड्थ पे काम करने के लिए, और ये जिससे बना होता है दैट्स अ ATM लेयर, दैट इज एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। सो ये हम लोग कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट्स इट फॉर